हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी स्टडी पॉइंट। पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि कैस्ट्रेशन क्या होता है और इसके इतने फ़ायदे होने के बाद हम इसे बर्थ कंट्रोल में काउंट क्यों नहीं करते। तो पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज़ कैस्ट्रेशन। तो देखिए, कैस्ट्रेशन होता क्या है कि जब हम मेल बॉडी से उसके टेस्टिस को रिमूव कर दें, उसे हम बोलेंगे कैस्ट्रेशन। और इसको हम बर्थ कंट्रोल में काउंट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है इसके बाद मेल बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ में इसको एज अ पनिशमेंट लेते हैं वो लोग। जैसे कि अगर कोई मेल ने कोई फीमेल का रेप कर दिया तो उनको पनिशमेंट के तौर पे कैस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कैस्ट्रेशन के फ़ायदे क्या होते हैं कि मेल बॉडी की लाइफ स्पैन बढ़ जाती है, मतलब उनकी लाइफ जो है कुछ साल और बढ़ जाएगी। ठीक है, और उनकी बॉडी में जो एग्रेसिव नेचर होगा वो भी कम हो जाएगा। कैसे, लेट मी एक्सप्लेन यू। जब हम मेल बॉडी से उसके टेस्टिस को रिमूव करते हैं बच्चों, तो टेस्टिस रिमूव किया, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो बन कहाँ रहा है, वो बन रहा है आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, तो ट्यूब्यूल्स कहाँ पे हैं, वो टेस्टिस के अंदर पे हैं। बट अगर आप टेस्टिस को ही रिमूव कर दोगे तो क्या हार्मोन बनेगा। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि मेल बॉडी में जो उनकी सेक्सुअल लाइफ का इंटरेस्ट होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ना के बराबर। ठीक है, सेक्सुअल लाइफ का इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब इसका एडवांटेज क्या है कि उनकी लाइफ साइकिल बढ़ जाती है और उनका उनकी बॉडी में जो एग्रेसिव नेचर है वो भी कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बुल और सांड की, ठीक है, जो बुल होता है मतलब कि जिससे आप खेत जो प्लग करवाते हो, खेत जोतता है जो, ठीक है, तो वो जो हमारा बैल होता है और जो सांड होता है, दोनों है तो बैल ही ना, बट सांड और उस बैल में क्या फ़र्क है, जो बैल होता है उसका कैस्ट्रेशन करवाया होता है। ठीक है, जिससे उसका एग्रेसिव नेचर कम हो जाता है, और जो सांड होता है बहुत एग्रेसिव नेचर का होता है क्योंकि उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी है बहुत सारा। ठीक है, और उस बैल में टेस्टोस्टेरोन नहीं है। ठीक है ना, तो ये होता है रीज़न। और एक और बात होती है कि अगर कोई मेल बॉडी किसी का रेप करते कोई फीमेल का, तो तभी इसको हम लोग एज अ पनिशमेंट लेते हैं। अब इससे क्या होगा कि वो कभी फादर नहीं बन पाएगा, जो जिस मेल की बॉडी में आपने कैस्ट्रेशन करवाया रहेगा वो कभी भी फादर नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपने टेस्टिस को ही रिमूव कर दिया और ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, और उसकी बॉडी में एग्रेसिव जो नेचर है वो भी कम हो जाएगा और जो स्पर्म थे, जो स्पर्म का फॉर्मेशन था वो भी रुक जाएगा हमेशा के लिए, इसीलिए बहुत शांत सा नेचर का हो जाएगा। अब आपको थोड़ा याद आना चाहिए कि जो फादर है वो आपका वैसेक्टोमी भी तो नहीं बन पाएगा वो मेल। ठीक है, क्योंकि उसमें भी तो हमने जो वास डिफरेंस उसको काट दिया। ठीक है, बट वास डिफरेंस जो है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं थोड़ा, अगर वो चाहें तो। ठीक है, उसके चांसेस रहते हैं, और उस टाइम पे उसकी बॉडी में टेस्टिस मौजूद हैं, उसमें टेस्टिस बनेंगे और थोड़ा बहुत इजैकुलेशन के टाइम पे सीमेन निकलेगा, उसमें स्पर्म्स नहीं रहेंगे। ठीक है, तो क्या है, उसमें सेक्सुअल लाइफ में कोई थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा लेकिन ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसमें ट्यूबेक्टमी में, सॉरी वैसेक्टमी में। ठीक है, और जो हमारे पास कैस्ट्रेशन है इसमें हमने पूरे टेस्टिस रिमूव कर दिए जिससे उसको सेक्सुअल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इसीलिए जो वैसेक्टमी है और कैस्ट्रेशन है इसमें ये डिफरेंस है। ऑलराइट, इसीलिए हम कैस्ट्रेशन को एज अ पनिशमेंट लेते हैं क्योंकि इसके बाद फादर बनने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो रहते हैं और एग्रेसिव नेचर कम हो जाता है। लेकिन अब इसको लोग क्यों नहीं करवाते हैं, ठीक है, क्यों नहीं करवाएंगे, क्योंकि इससे मेन फ़र्क पड़ता है उनके सेक्सुअल लाइफ पे, इसीलिए कैस्ट्रेशन को नहीं करवाते हैं। अब पनिशमेंट के तौर पे इसलिए बच्चों, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब चले, इसीलिए इसको एज अ पनिशमेंट करवाते हैं। ठीक है।